कि हमें टाइम टेबल क्या फॉलो करना चाहिए, ठीक है जी। आज से पहले आपका जो भी टाइम टेबल रहा होगा, वेल एंड गुड। सर अभी तो कोरोना काल चल रहा है तो हमारा टाइम टेबल ऐसे कुछ खास चल नहीं रहा, हम कभी भी सोते हैं कभी भी उठते हैं, मूवी वूवी देख रहे हैं, बढ़िया चल रहा है, जिंदगी एकदम चिल है, रिलैक्स है, वो ठीक है जी। आज कुछ चेंज हुआ है एंड आई बिलीव आप सभी लोग उस चेंज को फील कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आज से ही आपका टाइम टेबल यही फॉलो करने वाले हो, आज तो सर अभी शाम हो गई है लगभग, कल से आप बोल सकते हैं, ठीक है जी, बिल्कुल कल से, ठीक है। आई एम सेइंग दैट कि कल से, और जो बच्चा कल से इस टाइम टेबल को फॉलो करेगा, एज ए टीचर बोलते ना मेरी ब्लेसिंग्स, वैसे सबके लिए है ब्लेसिंग, बट उन स्पेसिफिक लोगों के लिए जो कल से इस टाइम टेबल को फॉलो करने वाले हैं, उनके थोड़ी सी मेरी ज्यादा ब्लेसिंग, ठीक है, कि उनका जेईई में सिलेक्शन और स्मूथली हो जाए, ठीक है। और सर ये फिर वो डेली पाओ डेली टिकटॉक वाली बात होगी, बिकॉज आपने बोला कल से, मतलब कल से, नो इफ नो बट, कोई डाउट दिमाग में नहीं आना चाहिए। अभी इस टाइम टेबल में मैं आपको कुछ नंबर ऑफ आवर्स भी बताऊंगा कि आपको कितने घंटे पढ़ना है। कुछ लोग बोलेंगे सर हमारे पास पढ़ने के लिए इतना है नहीं, आज आपने लगभग कुछ भी नहीं पढ़ाया, फिर अगली क्लास आपकी फिजिक्स की है, उस फिजिक्स वाली क्लास में भी सर थोड़ा थोड़ा पढ़ाया गया हमें, बट आपने तो हमें इतने सारे घंटे दे दिए पढ़ने के लिए, हम करें क्या? तो भैया आपको इनिशियल डेज में जो मैं टाइम टेबल बता रहा हूं उसमें सिर्फ एक ही प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सबसे पहले क्या करिए, आप अपने घर में एक कोना ढूंढ लीजिए, कोना मतलब एक कॉर्नर जहां पे बैठ के आप पढ़ो, तो किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, कॉर्नर है तो बहुत अच्छी बात, और अगर रूम मिल सके पूरा आपके हवाले जब आप पढ़ रहे हो तब तो बहुत 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 बढ़िया बात, ठीक है। अदरवाइज आपको एक कॉर्नर मिल जाएगा, और मेरे ख्याल से पढ़ाई एक ऐसी चीज है जब घर में ये बात पता चलती है लोगों को कि भैया हमारा बच्चा पढ़ रहा है, तो बस फिर बाकी लोग अपना काम छोड़कर आवाज नहीं करते, डिस्टर्ब नहीं करते किसी को भी पढ़ते हुए को, ठीक है। ये हमारी आप बोल सकते हो इंडियन फैमिलीज की ट्रेडिशन है, समझ में आया। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, और अगर किसी वजह से डिस्टर्बेंस हो रही है तो तुरंत वो जगह छोड़ दो, ऐसी जगह पे चले जाओ, नॉट घर से दूर, घर के अंदर ही ऐसा कोई एरिया ढूंढ लो जहां पर और कोई नहीं आता हो, सिर्फ आप हो, आपका एक टेबल हो स्टडी का और आपकी एक कुर्सी हो बस, और आपके सामने एक दीवार हो, ठीक है जी। आपको क्या करना है सर, ये हमारा एक छोटा सा संसार जेईई वाला अब बसा लेना है, ठीक है। कौन सा है सर ये संसार, ये लो भैया, ये आपकी स्टडी टेबल, ये आपकी कुर्सी, आई होप ठीक बना रहा हूं शायद, है ना, और सामने एक दीवार जिसपे सर हम कुछ चिपकाएंगे, और इसको मैं तो बोलता हूं फॉर्मूला वॉल, ठीक है जी। कौन सी वॉल, फॉर्मूला वॉल, बहुत सारी चीजें इस पे चिपकाने के लिए आपको बताई जाएगी, आप इसको लिखो चिपका दीजिए। सबसे पहली चीज क्या है, आज जो ये टाइम टेबल बताने वाला हूं, वीडियो खत्म होने के बाद में जब आपके पास टाइम बचेगा, बिकॉज अगली क्लास आपकी थोड़ी देर बाद में है, तो एक वाइट A4 पेज पर, छोटा ही होता है, वाइट A4 पेज पर इस टाइम टेबल को अपने हाथ से लिखिएगा और इस फॉर्मूला वॉल पे चिपका दीजिएगा। दिस इज योर फर्स्ट असाइनमेंट फॉर दिस वॉल, मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। और इसको बोल रहे हैं हम अपना वर्ल्ड फॉर जेई, यहीं बैठ के सर हम दो साल की जर्नी कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। नाउ आता हूं टाइम टेबल पे कि हमें सर टाइम टेबल में क्या करना है। चलिए शुरू शुरू के दिन है तो लीनियंसी रखते हुए सुबह 8 बजे से, ठीक है, 8 AM से मैं टाइम टेबल अभी आपका स्टार्ट कर रहा हूं। ज्यादा रिजिड नहीं हुआ कि सुबह 4 बजे उठ जाना और फिर सर 4:15 बजे फिर सो जाना, वो वाला काम नहीं करना है। 8 बजे तक इससे पहले यहां से स्टार्ट हो रहा है, मतलब योर डे स्टार्ट्स फ्रॉम दिस। मैंने ये नहीं बोला कि आपको 8 बजे उठना है, 8 बजे आपको कहां पर होना है, अपने इस जेई वर्ल्ड में होना है, या फिर आप बोल सकते हो अपनी स्टडी टेबल पे होना है 8 बजे। 8 से लेके 10 बजे तक आपको कंटिन्यूअस सिटिंग देनी है बिना उठे, ठीक है। जब 8 बजे आप बैठे तो वो जो सुबह वाली प्रक्रिया होती है वो सारी निपटा के बैठिएगा, जो भी आपको हल्का भारी होना होता है सब होके नाश्ता करके, और फिर आपको बैठना है। 8 से लेके 10 बजे तक के बीच में कोई ऐसा काम नहीं आना चाहिए जिसकी वजह से आपको लगे कि मुझे उठना पड़ेगा या मैं उठ जाता हूं, समझ में आया। यू शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट, अगर डे वन से स्ट्रिक्ट रहोगे तभी ये चीज आपको बेनिफिशियल रहेगी, ठीक है। 8 बजे उठे, 10 बजे तक सर कंटिन्यूअस सिटिंग दी हमने 2 घंटे की, ठीक है। उसके बाद में सर हमारे पास ये कितने हो गए, दिस इज 2 आवर्स ऑफ स्टडी, ठीक है। नाउ 15 मिनट का ब्रेक, 10:15 बजे सर दूसरी कहानी स्टार्ट होती है जो कि 12:15 बजे तक जाती है, ठीक है। ये 2 घंटे का एक और स्टडी इंटरवल, आई होप दिस मेक सेंस, ठीक है जी। कुछ लोग बोलेंगे सर हम तो 11 बजे खाना खाते हैं, कोई जरूरत नहीं है, आप 12:15 बजे के बाद में भी खाना खा सकते हैं, ठीक है। वो सारी चीजें आपको अब अपने घर का माहौल चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप अपने घर वालों को समझाओ कि आपके माहौल मतलब आपके घर में एक जेई की प्रिपरेशन करने वाला लड़का या बच्चा या बच्ची रहती है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। आप इस बजे के बाद में मतलब 12:15 बजे के बाद में 12:15 PM के बाद में खाना खाएंगे, तो 2 और 2 4 घंटे सर हम सुबह पढ़ चुके हैं। 8 बजे से स्टडी टेबल पे आपको बैठना है। आप 6 बजे उठते हैं, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है। आप 7 बजे उठते हैं, मुझे उससे भी कोई परेशानी नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे सर फिर 7:45 उठते हैं, क्या आपको उससे परेशानी है? मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, बट ये 8 से लेके 10 बजे वाला जो टाइम है, अगर आप 7:45 पे उठते हो तो फिर ये जो है ये नींदों में निकलेगा, ठीक है। तो प्रॉपरली आप 6:30 या 7 बजे उठ जाइए, ठीक है। घूमिए फिरिए, पानी वानी पीजिए, जो भी प्रोसेस होती है उसको फॉलो कीजिए, नाश्ता करिए, और फिर 8 बजे अपने कॉन्शियस माइंड के साथ स्टडी टेबल पर बैठ जाइए पढ़ने, ठीक है जी। आई होप ये समझ में आया। फिर आप बोल सकते हो कि सर लो 12:15 बजे से लेके 12:15 से लेके 1:30 तक, ठीक है, लगभग मैंने आपको 1/2 घंटा दे दिया है। इसमें क्या क्या है सर, इसमें दिस इज ब्रेक यू कैन से, और लंच यू कैन से, और जो भी आपको कुछ थोड़ा बहुत टीवी देखना है या थोड़ी बहुत कुछ अपने भाई बहन के साथ कुछ लूडो वूडो खेलना, वो सारा काम इसमें इंक्लूड हो चुका है। खाना खाने का भी टाइम इंक्लूड हो चुका है सर, और एक्स्ट्रा जो काम है हमारे वो भी इसमें इंक्लूड हो चुके हैं, ठीक है। और जब बात आई खाना खाने की, तो आपको लिमिटेड खाना खाना है भैया, ठीक है, और लिमिटेड अनलिमिटेड पे नहीं जाता हूं बिकॉज वो ज्यादा डिटेल हो जाएगी, बट हाँ इतना खाना खाइएगा कि उसके बाद में आपको पढ़ने बैठना है और उस स्टडी टेबल पे आप जाके बैठे तो आपको नींद ना आए, ठीक है। प्लीज मार्क दिस थिंग, ठीक है। चलिए फिर सर क्या बारी आई, फिर भैया आई 1:30 बजे से लेके 3 बजे तक।
3 PM, ठीक है जी। यहां पर क्या करना है, रिवाइज प्रीवियस क्लास के नोट्स, रिवाइज प्रीवियस क्लास नोट्स, ठीक है, पिछली क्लास में जो पढ़ाया गया उसके जो नोट्स है उनको रिवाइज करो। फिर सर गो थ्रू अपकमिंग क्लास कंटेंट बोल देता हूं, जो आज आपको पढ़ाने वाले हैं उसको थोड़ा सा देख लो। इस डेढ़ घंटे में आपको ये दो काम करने हैं, एक तो आपको रिवाइज करना है नोट्स को, और दूसरा जो आज पढ़ाने वाला है, जो भी क्लास है, क्लास से पहले का टाइमिंग है ये, जो भी क्लास में आपको पढ़ाया जाने वाला है उसमें क्या पढ़ाया जाने वाला है एक बार वो आप देख लीजिए एनसीईआरटी से या फिर जो भी रेफरेंस बुक आपके पास है उससे, ठीक है। बिकॉज वी आर फॉलोइंग ए लेक्चर प्लानर, और वो प्लानर आपके पास ऐप में अवेलेबल है, उसको डाउनलोड करो, आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या पढ़ाना है या क्या पढ़ाया जाने वाला है, ठीक है ना। इसके बाद की कहानी आई सर, अब हमारा ये पीडब्ल्यू टाइम स्टार्ट हो गया। पीडब्ल्यू टाइम मतलब सर उसके बाद में आपको यहां आ जाना है, ऑनलाइन आपकी क्लासेस चलेगी ना सर, 3 बजे से मैथ की क्लास रहेगी। आई होप आपको क्लास समझ में आ गई होगी, देयर इज द चेंज। पहले जो क्लास टाइमिंग थी वो 4 से लेकर 5:30 थी, बट अब आपकी मैथ की क्लास जो है वो मंडे ट्यूसडे थर्सडे एंड फ्राइडे को हुआ करेगी और 3 से लेकर 4:30 बजे तक हुआ करेगी। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है जी। ये चेंज है, बहुत सारे लोगों को नोटिफाई हो चुका होगा, जिनको नहीं पता मेरी बात सुनकर शायद अब पता चल गई होगी। वैसे जितने भी लोग ज्वाइन है ऑब्वियसली उनको पता ही होगा, ठीक है जी। चलिए तो ये क्लास वन या लेक्चर वन बोल सकते हो आप। लेक्चर वन और लेक्चर टू के बीच में आपके पास टाइम है बेटा, ठीक है जी, और वो टाइम बिल्कुल भी टाइम पास करने के लिए नहीं, ध्यान रखिएगा प्लीज, ठीक है। यहां पर आप क्या करोगे, इसके बीच में जो दूसरा लेक्चर स्टार्ट होगा उससे पहले आपको 15 मिनट, सॉरी आधे घंटे से लेकर 45 मिनट का विंडो मिलेगा, उसमें आपको नोट्स रिवाइज करने हैं, रिवाइज नोट्स ऑफ लेक्चर वन, ठीक है। डिटेल्ड एकदम पॉइंट वाइज सारी चीजें बता रहा हूं कि आपको क्या करना है। पहली क्लास खत्म हुई, पानी वानी पीजिए, पानी की बॉटल आपके स्टडी टेबल पे है, उठने का हमारे पास फिर कोई रीजन नहीं है, ठीक है जी। नाउ 3 से लेकर 4:30 बजे तक क्लास खत्म हुई, उसके बाद तुरंत सर नोट्स रिवाइज करने हैं, जो आपने पढ़ाया उसको रिवाइज करना है, बिकॉज उस वक्त आपके दिमाग में चीजें एकदम फ्रेश होंगी, जो मैंने बताया वैसे आपके दिमाग में घूम रहा होगा कि अच्छा सबने इस वाले एग्जांपल पे ये वाली बात बताई, ठीक है। तुरंत और रिवाइज कर लोगे तो वो अच्छे से आपके दिमाग में सेटल डाउन हो जाएगा। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। फिर उसके बाद में आपकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होती है 5:45 से लेकर 7:15, ठीक है जी। दिस इज लेक्चर टू, ठीक है, 5:45 से लेकर लेक्चर 2, मतलब 7:15 बजे तक का टाइम सर पीडब्ल्यू टाइम हो गया, या फिर 15 मिनट और इसमें जोड़ते हैं तो 7:30 तक हम इसको इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है जी। 7:30 तक हम लोग लेक्चर्स देख रहे हैं और बीच में हमारे पास 45 मिनट्स का जो ब्रेक आया उसमें हम नोट्स रिवाइज कर रहे हैं, मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। तो जैसे ही यहां से खत्म हुए तुरंत रिवाइज नोट्स, और इसके लिए आपको एक एडिशनल 30 मिनट टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, एडिशनल 30 मिनट टाइम देना पड़ेगा। तो 7:30 पे मैं बोल रहा हूं कि लेक्चर खत्म हुआ, एक्चुअल टाइमिंग है 7:15, बट कई बार एक्सटेंड हो जाता है, इस वजह से मैंने 7:30 लिया है। 7:30 से लेकर सर 30 मिनट और जोड़ दो, मतलब हम 8 बज चुके हैं आज रात के, या फिर जिस दिन के हम ये टाइम टेबल की बात कर रहे हैं ऑब्वियसली हर दिन की, उसके 8 बज चुके हैं। अब क्या करना है सर, ना वापस 8 से लेके 8 PM से लेके 9 PM तक, ये फिर से सर कौन से वाला चीज आ गई, दिस इज योर अगेन ब्रेक, जिसमें डिनर इज द मेजर टास्क जो आपको निपटाना है, ठीक है, डिनर इज द मेजर टास्क जो आपको निपटाना है, ठीक है। इनिशियल डेज में अभी वर्कलोड कम रहने वाला है, तो इसमें आप डिनर में सर हमें कितना टाइम लगता है, मैक्सिमम आप बोल सकते हो आधा घंटा भी हमारे पास बच गया। उस आधे घंटे में आप हल्की फुल्की वॉकिंग, कुछ छोटा मोटा खेल जो आप खेलते हो अपार्ट फ्रॉम योर मोबाइल्स, ठीक है, मोबाइल और गैजेट का यूज ना करते हुए अपने भाई बहन के साथ बातें, लूडो वूडो जो भी आप घर में खेलते हो, अगर आपके घर के आसपास पार्क है, अभी तो बाहर जाना अलाउड नहीं है तो वो मत करिएगा, घर में रहते हुए जो भी आपको टाइम पास वाला काम करना है अपार्ट फ्रॉम मीडिया ओरिएंटेड थिंग्स, ठीक है, व्हाट्सएप वगैरह ये सब नहीं चलाना है, आप किसी से इंटरेक्शन होना चाहिए बातें बोलकर या सुनकर, ठीक है। समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही मेरी बात, इसमें सर ये दोनों चीजें इंक्लूड हो गई, ठीक है ना। फिर सर हम बैठे 9 बजे से लेके रात के 12 बजे तक, दिस इज योर 3 आवर्स ऑफ स्टडी, 3 घंटे ये वाला, ठीक है, ये अगले दिन के 12 बज चुके हैं और सर ये पिछले वाले दिन के 9 बजे थे, तो 3 घंटे ये हमें पढ़ाई करनी है। और कौन सी पढ़ाई, स्टिक टू द चेयर वाली पढ़ाई, किसी भी वजह से सर कोई भी वजह नहीं होनी चाहिए वहां से उठने का, ठीक है। वापस समझ पा रहे हो मेरी बात, ये वाला सर आपने बड़ा स्ट्रिक्ट बना दिया और पहले दिन से ही आप फॉलो करने के लिए बोल रहे हो, आपने हमें टोटल कितने दिन बता दिए, मतलब कितने घंटे बता दिए सर, 2 घंटे यहां पर 2 यहां, 4 तो ये हो गया। ये वाला जो है ये पीडब्ल्यू टाइम है, इसको पढ़ाई में मत इंक्लूड कीजिएगा प्लीज, दिस इज टीचिंग टाइम है, मतलब हम पढ़ा रहे हैं आपको और आप नॉलेज इकट्ठी कर रहे हो, दिस इज नॉट योर सेल्फ स्टडी आवर्स, ठीक है। तो 4 यहां और 3 यहां, तो नंबर ऑफ आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी कितनी बता दी सर आपने, सेल्फ स्टडी के नंबर ऑफ आवर्स आपने बता दिए 7, ठीक है जी। चलिए ठीक है सर, आपने जो ये टाइम टेबल बताया ये क्या है, क्या हमें इसी को स्टिक करना है, नहीं जी, आप इसमें चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। पहला चेंज, आप इसमें नंबर ऑफ स्टडी आवर्स बढ़ा सकते हो, ठीक है, कोई बोले सर मैं 8 बजे नहीं, मैं 6 बजे उठ सकता हूं कंफर्टेबली और मैं 6 बजे उठ के टेबल पे पहुंच सकता हूं, 6 से लेकर मैं 10 बजे तक पढ़ सकता हूं, वेल एंड गुड, तो उस इंसान ने 2 घंटे और जोड़ दिए, ठीक है। कोई बोला कि सर आपने जो रात का डिनर का टाइम है वो ज्यादा दे दिया, मैं 20 मिनट में भी डिनर कर सकता हूं, ये आगे आने वाले दिनों में आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, तो सर मैं वहां से 40 मिनट और उठा सकता हूं, तो वो भी आप स्टडी को दे दो, जहां जहां से आप टाइम निकाल सकते हो वो इस टाइम टेबल में लाके ऐड करो सेल्फ स्टडी नंबर ऑफ आवर्स में, ये चेंज आप कर सकते हो। बल्कि ये मत कर देना कि सर इस टाइम टेबल में से हम नंबर ऑफ आवर्स निकालकर किसी और चीज को दे दें,
बोले कि सर आपने इसमें वो तो डाला ही नहीं, व्हाट्सएप टाइम, इंस्टाग्राम टाइम, ठीक है, और कुछ वो गेम वेम वाला टाइम, वो तो आपने इसमें डाला ही नहीं। भैया उन सब पे काटा लग चुका है, ठीक है, क्योंकि आज वो आपने बोला ना स्पेशल डे है। सर अब तक तो स्पेशल डे ठीक लग रहा था, अब थोड़ा हल्का हल्का गड़बड़ महसूस होनी स्टार्ट हो गई है। जी बिल्कुल ठीक है, जब तक तुम कोई चीज सेक्रीफाइस नहीं करोगे, दैट इज ज्यादा बड़ा सेक्रीफाइस नहीं मांग रहा हूँ, जो आप ये हरकतें करते थे ना आपसे पहले व्हाट्सएप वगैरह पे टाइम वेस्ट और ये सब, ये छोड़ दो बस। और सेक्रीफाइस करते वक्त थोड़ा सा पेन होता है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट हाँ एक या दो दिन बाद में पॉजिटिव फील आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। ये मैंने आपको बोला यू कैन ऐड, दूसरा नोट है यू कैन ऐड, जो चेंज मैंने बोला वो सिर्फ आप ये वाला कर सकते हो, यू कैन ऐड नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी एज पर योर एवी, एवी मतलब एवेबिलिटी, जितने आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचे कि सर मैं यहां से भी निकाल सकता हूं वो सब इसको देना है ना। अब आती है बात मुद्दे की, सर आप बता भी रहे हो हमें अच्छा भी लग रहा है, दो बात रहेगी सर इसमें, एक तो आपने स्कूल का टाइम, हम स्कूल भी जाते हैं, तो भैया वो जो सुबह वाला था ना चार घंटे, उसमें से जितने भी घंटे तुम्हारे स्कूल चलते हैं वो स्कूल वाला इंक्लूड कर लो, ठीक है, स्कूल की विंडो वहां डाल लो। अगर आप स्कूल रेगुलरली जा रहे हो तो उस विंडो के अलावा आपको ऊपर एक या दो घंटे का टाइम आपको पढ़ाई को देना है, ठीक है जी, समझ में आ रही मेरी बात। वो स्कूल वाला टाइम उससे खत्म हो जाएगा, मेरे ख्याल से 12 बजे तक स्कूल हो जाता है शायद, आई बिलीव, ठीक है, तो इसमें से आपको स्कूल को भी टाइम डिवोट कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पर जनरली वो स्कूल का टाइम है। और कोई अगर इंसान स्कूल नहीं जाता है, डमी एडमिशन है, या फिर सर हमारा इतना कंपल्शन नहीं है स्कूल जाना, तो बहुत बढ़िया भैया, ये चार घंटे आप बाकी लोगों से एक्स्ट्रा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो जेई की प्रिपरेशन में, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा। अभी मैं आऊंगा उस पॉइंट पे भी जो आपके दिमाग में सबसे ज्यादा परेशान करता है, किसे स्कूल और जेई में से किसको फोकस करना है, किस पे ध्यान देना है, उस बात पे भी आया जाएगा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। कुछ लोग लिख रहे हैं पब्जी वगैरह कब खेलेंगे, ठीक है, जो पब्जी खेलने वाली चलता है वो मेरे ख्याल से अभी कमेंट करने में ही लगी हुई है, ठीक है, जो पढ़ने वाले लोग हैं वो मेरी बातों को सीरियसली सुन रहे हैं, और इस टाइम टेबल की एक कॉपी आज फॉर्मूला वॉल पे चिपक जाएगी शाम तक। अब बात आती है फ्रॉम टुमारो, सर ये कब से एप्लीकेबल है, कल से ही। क्या सर कल हमारे पास 7 घंटे पढ़ने के लिए कुछ होगा, नहीं होगा, ठीक है, हार्डली आपके पास मेरे ख्याल से आधे घंटे का भी पढ़ने के लिए नहीं होगा, तो फिर सर हम 7 घंटे बैठ के करेंगे क्या, इस बात का लॉजिक सुनिएगा प्लीज, ठीक है, ठीक है। अब एक नेगेटिव स्टेटमेंट, एंड दैट स्टेटमेंट इज वेरी मच ट्रू, अगर आपने ये कल नहीं फॉलो किया तो कभी नहीं कर पाओगे, अगर आपने ये टाइम टेबल कल नहीं फॉलो किया तो कभी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सर कल हमें क्या करना है जब हमारे पास 7 घंटे पढ़ने के लिए नहीं है, अभी आपके पास थोड़े दिन में मटेरियल या फिर इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी जिसको आपको रिवाइज करने में उतना टाइम चाहिएगा, अभी आपको कल क्या करना है वो समझाता हूं। पहले तो अपना मोबाइल और जो भी पार्ट है उसको दूर रख दीजिएगा, ठीक है, साइलेंट मोड में, वो आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे। कुर्सी और चेयर पर, मतलब चेयर और टेबल पर बैठने की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए प्लीज, समझ में आया। सबसे मुश्किल काम है, फॉर्मूला कोई मुश्किल नहीं है, चैप्टर कोई मुश्किल नहीं है, सबसे मुश्किल काम है कुर्सी टेबल पर बैठना, और उसकी प्रैक्टिस कल से आपकी शुरू हो रही है। क्या करना है, आपके पास एनसीईआरटी होगी, जी सर बिल्कुल है, या फिर कोई हमारे पास किताब होगी, ठीक है, उस किताब को ये जो घंटे मैंने बताए सुबह वाले 2 घंटे फिर 2 घंटे, उन टाइम पे बैठ कर बिना उठे वो किताब पढ़नी है। If you want to read NCERT, NCERT पढ़ लीजिए, ठीक है, कोई भी आप अपनी 9th की किताब पढ़ लीजिए, कोई 10th की किताब पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट हाँ, जो जो ये विंडोज आपने बताई सर, एक ये वाली और दो ये वाली, सॉरी दो ये वाली या तीन विंडो हमारे पास होगी, इन तीनों विंडो पर आप कल अपनी कुर्सी टेबल पे होंगे। जो लोग होंगे वापस, मेरी एडिशनल ब्लेसिंग आपके लिए है, ठीक है, ब्लेसिंग सबके लिए है, एडिशनल वाली उन लोगों के लिए है जो कल से ही मेरी बात मानना स्टार्ट कर देंगे। और दूसरी जो नेगेटिव स्टेटमेंट मैंने बोली कि अगर ये बात आपने कल से माननी नहीं स्टार्ट की तो फिर ये माननी बहुत मुश्किल हो जाएगी बेटा, ठीक है, बिलीव मी, जो हम करते हैं ना, हम सभी लोगों ने ये किया कि कल कर लूंगा, और सर अभी तो हमारे पास पढ़ने के लिए इतना ही नहीं, आप अभी से क्यों फोर्स कर रहे हो इतना, जब हमारे पास पढ़ने के लिए होगा तब कर लेंगे, तब नहीं आएगा। और जब तुम ये करना स्टार्ट करोगे तब बहुत सारे लोग प्रैक्टिस कर चुके होंगे, उनको कुर्सी टेबल पे बैठना अब आसान लगने लगा होगा, वो एक हफ्ते में, एक हफ्ते की जो ये प्रैक्टिस है, दिस विल हेल्प, बिलीव मी, ठीक है। तो कल आपको 4 और 3 7 घंटे इन कुर्सी टेबल पे बैठना है, और जब बैठ जाओ तो बीच में उठना नहीं है। शुरू शुरू में पहले बता देता हूं, दिस इज पेनफुल, हर 5 सेकंड या हर 5 मिनट बाद में आपके अंदर से बोलते ना कण कण से आवाज आएगी कि बेटा उठ जाते हैं, ठीक है, बाहर देख लेते हैं क्या हो रहा है, कुछ हो तो ना रहा, मतलब हो तो ना रहा, मतलब कि हमारे पास ऐसा तो कुछ है नहीं कि पढ़ने के लिए कोई ऐसा खास काम तो है नहीं, यहाँ बैठ के जो कर रहे हैं, उठ जाते हैं। जैसे ही तुम उठे तो अपने आपको फिर समझाइएगा, फिर बैठ जाना, उठना नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है 7 घंटे कल आपको बैठ के। परसों भी यही काम, उससे अगले दिन भी यही काम, एक हफ्ते तक कीजिए जरूर। वापस मैं ये नहीं बोल रहा दिस इज आसान है, जी बिल्कुल नहीं, बट हाँ परेशानी होगी, डिफिकल्टी होगी। तो सर हम जो है यहाँ पर पोस्टमैन थोड़ी बनने आए हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि कोई छोटी मोटी जॉब की थोड़ी तैयारी करने आए, हम यहाँ पे बनने भी तो आईटीएन आए। तो भैया जब आईटीएन बनने आए हो तो जो चीजें चाहिए उसके लिए तुम्हारी ट्रेनिंग, जिसको मैं बोलूंगा तैयारी एक अलग वर्ड है, ट्रेनिंग एक अलग वर्ड है, तो ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है, ध्यान रखिएगा प्लीज, ठीक है। आई होप मेरी